तो जिस कमरे में आप मुझे बहुत अरसे से देख रहे हो, तो हम आपको आज दिखाएंगे कि ये कमरा कहाँ पर है और ये किस चीज़ का कमरा है। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि माजरा क्या है। व्हाट इज़ तो यहाँ पर काम जारी है और हम आपको गेट से आपको दिखाते हैं कि ये सारे बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मिसबा एजुकेशनल एकेडमी एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से और ये अलमदार रोड में वाक़िया है। तो अभी मैं गेट के पास ही खड़ा हूँ, तो अभी यहाँ से इस एकेडमी का आपको शेयर करवाते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस एकेडमी में। तो सबसे पहले ये कमरा टेबल टेनिस का कमरा है, जहाँ पर टेबल टेनिस लगाया जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग खेल कर अपना टाइम स्पेंड करें। और दूसरा ये ऑफिस है और ये सामान जो कि ख़राब हो गई है और ये गुलदान जो कि लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे कोई घर हो, तो हमेशा साफ़ रहना चाहिए। तो इसी तरह इसी वजह से आज सफाई हो रही है और जो सामान टूटे फूटे है और ख़राब है उसे फारिग करना है। और ये जो गुलदान आप लोग देख रहे हो, ये सारे इस जगह की खूबसूरती के लिए लाए गए हैं, ताकि जब कोई इस एकेडमी में इंटर हो उसे एक अच्छा माहौल लगे। तो यहाँ पर ये जो देख सारा सामान टूटे फूटे सामान और यहाँ पर जो गुलदान लाए गए हैं इसी वजह से। और यहाँ पर आज संडे के दिन सारे दोस्त यहाँ पर आकर, इधर आओ इरफान, सारे दोस्त संडे के दिन मतलब यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो ये आपका भाई, दूसरा भाई, पहला भाई मैं हूँ, दूसरा भाई इरफान। तो ये भी आज बहुत मसरूफ़ है, लाइब्रेरी की सेटिंग करनी है इसको, तो हम भी इसका हेल्प करेंगे। थैंक यू। और दूसरे दोस्त भी है, वो भी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं कि दोस्तों से मिलते हैं कि इस संडे के दिन वो लोग अपने मतलब मसरूफ़ वक्त से टाइम निकाल कर मतलब यहाँ पर आए हैं और काम करने के लिए। तो उनका वो बयान भी सुनते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में दोस्तों के लिए चाय बनाई जा रही है। भाई रजा, व्हाट इज, तो जो लड़के यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए अभी हमारे एक दोस्त चाय बना रहे हैं। कॉफी 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 बनाई जा रहा है उनके लिए। और यहाँ पर वसीम हमारा दोस्त है जो कि बिस्किट बना रहे हैं। तो ये तो हम जाएंगे, चाय माय भी पियेंगे और आपके साथ बातें भी होंगी, आपको लड़कों से भी मिलाएंगे। बड़ी तो ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पर इरफान आज बुक सेटिंग कर रहा है, जो कि इसकी ज़िम्मेदारी है। और आज ये हम भी यहाँ पर इसकी मदद के लिए मौजूद हैं। तो ये स
सारे किताबों को। लाइब्रेरी का काम जो है वो आसान लगता है मगर ये बहुत ही हल्का काम होता है, मगर बहुत ही इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपने बहुत सी किताबों को बहुत सी कैटेगरी में तकसीम करके वहाँ पे रखना होता है। तो अभी ये भी थक चुका है तो चलेंगे क्या, चलेंगे ताकि चाय पिए फिर उसके बाद फिर से काम शुरू। तो ये हमारे आगे रज़ा है। شما دایید ولا شدم دین دیگه مردم د انتظار شما یقین کن چن کمینم ده تا کی وی د خانی آغای شی تعارف کنو نو کو دیگه بوی بوی قرار میشه بوی بوی بھائی میا ولا کیسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تو دک درت میشه بسم الله الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ آج موجود ہے وائس پرنسپل جناب محمد رضا وہ جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری محکمہ فلاح و بہبود اور آج کا مزیدار کافی بھی آغائے رضا نے بنایا ہے تو آغائے رضا کیا کہیں گے میں کیا کہوں گی تو یہ ہمارے وسیم بھائی ہے ذاکر ابوذر رحمت عقیل جاوید خادم اور زبیر یہ سارے دوست جو کہ سنڈے کے دن اپنے مصروف وقت سے نکل کر مصروفیت سے نکل کر ٹائم نکال کر مطلب یہاں پر آئے ہیں تاکہ اس اکیڈمی کی صفائی ہو اور یہاں پر کیا ہو تو اس کے بعد آغائے رضا کہے گا بساؤ مجھے آغائے رضا کہے گا وسیم مزار سے بھی چیزیں دو دس تا باش بھی آوائی یوں زیاد لمبا شترائی بھی دو گیٹا خالی گشتی ہوں اندر فون مخدم کی مورا کفتہ دار آفتے فوجی اولائی نفجا بجا نم دے فوجی میں گفت فون مخدم فوجی ہے فوجی بال احساس نہ بود آواز بدل نہ اوئے منا ہے کیو منا ہے کیو یار نہیں بول رہا کہ منا ہے کیو آخر باش بے شرف دی سر آپ کا نام کیا ہے سر آپ کا نام بہت پیارا ہے آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہو اچھا چل یار اجازت نہیں بس منا نہیں ہے چلو منا تو خوش رہ تو یار جاؤ پیچھے پیچھے سے جاؤ نہیں یار راستہ کی آواز نہیں تھا بال منہ استا مڑتی اجازت نہیں ہے کیوں خود میں کہہ رہا ہوں کہ اجازت نہیں اوپر نہیں آ جاؤ کیوں بہت نیچے سے اجازت دیا ہے تم نے کیوں اجازت نہیں دیا ہے نیچے سے اجازت دیا ہے حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو نہ کوئی شرم آئے تو ابھی یہ دوست وضو لے رہا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ایک ساتھ نماز بھی پڑھیں گے پھر دوپہر کا کھانا بھی یہی ہوگا پھر تین چار بجے تک یہی پر کام کریں گے بالکل صفائی کریں گے پھر اس کے بعد شام کے وقت کسی اور جگہ بھی جانا ہے پھر وہ پھر آپ کو بتائیں گے
तो अभी हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, तो मैं और आगा रज़ा ये गुलदान को रंग करेंगे। तो अभी आप देखिए कि किस तरह रंग होता है। तो अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। ये सारी जो गुलदान हमने कलर की, अभी खाने का वक्त हो रहा है, तो सारे दोस्त यहाँ पर खाने की तैयारी है। झूठ बोल रहा है। खाना खाने अभी बैठेंगे।
तो खाना वगैरह तो हमने खा ली, थोड़ा एक 20 मिनट हम लोगों ने रेस्ट की, तो अभी फिर से काम जारी है। जाएंगे कि फिर से वही काम शुरू। तो जो काम हम कर सकते थे हम लोगों ने किया, थोड़ा काम बचा है वो लोग दूसरे दोस्त करेंगे। तो ऐसा था हमारा संडे। इसके अलावा एकेडमी के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि अलमदार रोड में, कोयटा के अलमदार रोड में मिसबा एजुकेशनल एकेडमी, जहां 5 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 40 साल उम्र के बंदे आते हैं और कुरान वगैरह सीखते हैं। सिर्फ कुरान नहीं, इसके अलावा अहकाम अकायद ये सब चीज़ भी यहाँ पर सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा माहौल है। तो अगर आप भी अलमदार रोड में रहते हो तो आप भी अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की दाखिला करवा सकते हो। इसके अलावा आप लोगों ने दोस्तों का खलूस भी देखा कि आतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे थे। ये हमारा संडे इसी तरह गुजरा। एक और प्रोग्राम था जो हम जाने वाले थे लेकिन काम की वजह से ना जा सके, तो फिर नेक्स्ट संडे वहाँ जाएंगे, उसका भी एक बहुत अच्छा सीन होगा। तो अभी कुछ टाइम बचा है जो कि एक वीडियो है उसको एडिट करना है, और शाम को हमारे दोस्त नियाज में भी बुलाया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और ये एकेडमी सिर्फ लड़कों के लिए है, इसमें लड़कियों का नहीं, लड़कियों का इस एकेडमी के सामने एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है अलनर्जिस के नाम से, वहाँ पर लड़कियों का होता है। तो ये एकेडमी सिर्फ लड़कों का ही है।